हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ घर पे सब ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज जो बच्चों हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, हम वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 51 है। आज हमारी सैटरडे की वर्कशीट है, डेट हमारी 7 नवंबर है। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9th की हम वर्कशीट कर रहे हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट मेंशन करेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अवर हॉबीज। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? अपनी हॉबीज की। आई लाइक टू कुक इन माई फ्री टाइम। आई ऑल्सो लाइक टू लिसन टू म्यूजिक। देखो, हर एक की अलग अलग हॉबीज होती हैं। किसी को गाना सुनना पसंद होता है फ्री टाइम में, किसी को खाना पकाना अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है फ्री टाइम में, और किसी को शांत रहना भी अच्छा लगता है फ्री टाइम में, ठीक है। तो सब बच्चों की अपनी अलग अलग हॉबीज होती हैं। अब देखो यहाँ पर आई एम फोंड ऑफ रीडिंग नॉवल्स। किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, ये कहता है आई एम फोंड ऑफ रीडिंग नॉवल्स। जब फ्री टाइम होता है तो मुझे क्या पसंद है? रीडिंग नॉवल्स, नॉवल्स पढ़ना अच्छा लगता है। आई इन्जॉय मेकिंग वीडियोज, मुझे वीडियोज बनाना अच्छा लगता है फ्री टाइम में। आई लाइक टू प्ले चेस, मुझे चेस पसंद है। आई लव डांसिंग, मुझे डांस करना पसंद है। अब देखो, सभी की अलग अलग हॉबीज होती हैं। अब आज की जो हमारी वर्कशीट आई है उसमें क्या टॉपिक है उसका? इमेजिन यू आर ट्रेसा तीर्थ, यू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी विद योर 4 क्लासमेट इन ए जूम क्लास एज डिस्क्राइब्ड इन द पिक्चर गिवन अबो। अब जैसे 4 जो हैं आपके क्लासमेट हैं और आपने जूम पर जो मीटिंग हुई है, यू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी विद योर 4 क्लासमेट इन ए जूम क्लास में एज डिस्क्राइब इन द पिक्चर गिवन अबो। अब जैसे बच्चों से पूछा गया तो बच्चों ने आंसर दिया है कि मुझे तो जब उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछा गया है, जब जूम पे क्लास चल रही होती है, तो उन्होंने अपने अलग अलग अपनी हॉबीज़ बताई है। अब इन हॉबीज़ से रिलेटेड ही राइट ए डायरी एंट्री अबाउट द एक्सपीरियंस, रेफर टू द वर्कशीट ऑन डायरी एंट्री एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो यहाँ पर राइट ए डायरी एंट्री, हमें क्या लिखनी है? हॉबीज़ से रिलेटेड आज हमें अपनी डायरी एंट्री लिखनी है जो मैंने आपको रिटर्न में दी है। यहाँ से हम आपकी डायरी एंट्री करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच का इसमें हमने क्या किया है, जैसे टेंस है जो रिपोर्टेड स्पीच में यूज किया है। 7th नवंबर 2020, होम सैटरडे 10:10 PM, ठीक है। टुडे जूम क्लास वाज क्वाइट डिफरेंट, आज जूम क्लास जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। इट वाज फन एक्सपीरियंस, इट वॉज फुल ऑफ फन ऑफ एक्सपीरियंस। इन अवर इंग्लिश क्लास टीचर स्टूडेंट्स डिस्कस्ड ऑन हॉबीज। आज जो हमारी जूम जो क्लास हुई, जो मीटिंग हुई, उसमें स्टूडेंट्स और टीचर ने हॉबीज़ पे डिस्कस किया। फॉर ए स्टूडेंट, ए हॉबी, एक बच्चे के लिए जो है, एक स्टूडेंट्स के लिए हॉबी का क्या मीनिंग है? हॉबी वुड मीन टेकिंग सम टाइम ऑफ फ्रॉम क्लासेस एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर समथिंग्स दैट utilizing it for something that he likes to do. A hobby should come to you naturally. अब देखो आपको मतलब hobby का एक students के लिए क्या meaning है? A hobby would mean taking some time off from classes. Classes से कुछ time बचा के रखना and utilizing, और उस time को मतलब कहीं पर utilize करना, it for some things that he likes to do, जो हमें करना अच्छा लगता है उस time को वहाँ पर utilize करना। A hobby should come to you naturally. एक hobby इंसान में अपने आप ही आती है, मतलब ज़रूरी नहीं है हम उस पर थोपे कि तुम ये करो, वो hobbies नहीं है, वो तो हम थोप रहे हैं उस पर। मतलब हमारा हॉबी क्या होती है? जो हमारा जो काम हमारा मन से करने का मन करता है, मतलब अंदर से हाँ कि हाँ ये काम तो मुझे अच्छा लगता है। इट वॉज इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट द हॉबीज ऑफ माई क्लासमेट, और बड़ा इंटरेस्टिंग था आज की क्लास में कि हमें आपस में एक दूसरे की हॉबीज जानने का आज मौका मिला। आई फाउंड दैट मैनी स्टूडेंट्स हैव देयर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। मैंने देखा कि बहुत सारे, जब सभी ने अपनी अपनी हॉबीज बताई तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट था म्यूजिक में, डांस में, वीडियोज एक्स्ट्रा। मोस्ट सरप्राइजिंगली माई बेंचमेट्स हॉबी इज टू राइट पोएम एंड गजल। जो मेरा बेंचमेट है उसमें बड़ा हैरान हुआ कि उसे पोएम लिखना और गजल लिखना अच्छा लगता है। आई एम देयर विद हर सिंस 4th क्लास बट आई डिडंट कम टू नो अबाउट दैट। मैं उसके साथ 4th क्लास से हूँ लेकिन उसने कभी नहीं बताया मुझे कि उसे पोएम लिखना अच्छा लगता है, और मैं नहीं जानता था कि उसे पोएम लिखना अच्छा लगता है और गजल लिखना अच्छा लगता है। सी रिसाइटेड ए पोएम, उसने एक पोएम भी गा के सुनाई। इट वॉज टू गुड, ये बहुत अच्छी थी। सेकेंड सरप्राइज वॉज माई इंग्लिश टीचर, सेकेंड सरप्राइज़ ये था कि मेरे इंग्लिश टीचर जो मिस्टर राम, या आप और भी नेम लिख सकते हो यहाँ पर कोई भी, आल्सो लाइक टू डांस, उन्हें डांस करना अच्छा लगता था। इट वॉज सरप्राइज बिकॉज ही लुक्स
साय, क्योंकि सरप्राइज मतलब वो शर्मा रहे थे स्टेज पर, ये बड़ा हैरान था, हैरानी की बात थी। आई टू शेयर्ड अबाउट माई हॉबी, मैंने भी अपनी हॉबी शेयर की सबके साथ। माई हॉबी इज गार्डनिंग, मेरी हॉबी क्या है, गार्डनिंग। आई थिंक इट इज, आप अपनी हॉबी लिख सकते हो बेटा यहाँ पर, जब आप स्टोरी ये डायरी एंट्री लिखोगे तो आप कोई भी अपनी हॉबीज लिख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट हॉबी, मैं सोचता हूँ गार्डनिंग एक, मैं सोचती हूँ गार्डनिंग एक अच्छी हॉबी है। प्लांट्स एंड ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ, प्लांट्स और ट्रीज हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं हमारी लाइफ के लिए। दे नॉट ओनली प्रोवाइड अस फूड टू ईट बट आल्सो सर्व अस इन मैनी वेज, वे हमें क्या देते, बस फूड ही, खाने के लिए फूड ही नहीं देते बल्कि हमें बहुत सारी तरह से हमारी सेवा करते हैं। दे मेक द एयर फ्रेश एंड कूल फॉर अस, दे मेक द एयर, वो हवा को फ्रेश और कूल बनाते हैं। सो आई लाइक ट्रीज एंड प्लांट्स वेरी मच, इसलिए मुझे ट्रीज और प्लांट्स बहुत पसंद है। इट वॉज ए स्पेशल एक्सपीरियंस एंड लेटर सर अनाउंसड टू अपॉइंट मी एज द स्टूडेंट्स इन चार्ज ऑफ स्कूल इको क्लब, आई एम टू हैप्पी टूडे। और इसके बाद सर जब मैंने अपनी हॉबीज़ बताई और अपनी हॉबी को एक्सप्लेन किया तो सर इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अनाउंस किया मुझे स्टूडेंट्स इंचार्ज इको क्लब के इंचार्ज के रूप में। सर अनाउंस टू अपॉइंट मी एज द स्टूडेंट इन चार्ज ऑफ स्कूल इको क्लब, और सर ने मुझे इको क्लब का इंचार्ज बना दिया। आई एम टू हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश हुआ और सभी की हॉबी जाने का मुझे अवसर मिला, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। ये थी बच्चों आपकी डायरी एंट्री, नीचे आपको नाम लिख देना है, वैसे तो आप अपना भी नाम लिख सकते थे लेकिन आपकी वर्कशीट में त्रिशा दिया गया है, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, आप नेम लिख दोगे त्रिशा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।